मिसाल इन्हें डोडे की दी मैं किश्तवाड़ की दी किश्तवाड़ की कोई जी थी उसे मतलब कोई पैरामीटर अडाप्ट कोई कमीशन होता उन्हें रेफरेंस दिता पैरामीटर होंगे सब इन्हें पैरामीटर के ऊपर काम कर कोई पैरामीटर पॉपुलेशन का कोई है ही नहीं रखा टोपोग्राफी का कोई नहीं रखा कोई कॉन्टीन्यूटी कुछ कोई नहीं रखा सिस्टम की कोई नहीं रखा आज हालात इस किस्म के बने हर आदमी परेशानी दे आलम चीज और अगे अगे दे अगे अगे और परेशानी आ गई दुनिया की जब फेस करे पहले उन्हें 10-15 साल आते समझ पक्का हो गया जो उन्होंने करता उस बात सिटी जरा है चुकान जरा उसे मैदान है बहुत बड़ा बड़ा आज की जो आल पार्टी मीटिंग है इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। सर बिल्कुल मैं जी पे कह रहा हूँ कि आज का बुनियादी चर्चा जो है डिलिमिटेशन की जो फाइनल रिपोर्ट है उसके बारे में थी। चार मुद्दों पे हम इकट्ठे हैं। पहली बात कि स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर में फौरी बहाल होना चाहिए और चुनाव से पहले बहाल होना चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ डिलिमिटेशन ठीक होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। तीसरा मुद्दा है कि इलेक्शन जो है वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हों। और सबसे अहम मुद्दा है कि जो समाज में देश के अंदर जो राजनीति फिरका प्रस्ती की चल रही है और आपसी भाईचारे को ठेस पहुंच रही है उसमें सरकार और भारतीय जनता पार्टी का पूरा रोल है जिस तरीके से, उसके खिलाफ हम अमन के पुजारी हैं, भाईचारे के पुजारी हैं। और इसमें बुनियादी सोच हमारी है कि सेकुलर सोच सेकुलर बुनियादों पे धार्मिक भाईचारे से ही देश मजबूत रह सकता है, जम्मू कश्मीर मजबूत रह सकता है। आज की चर्चा डिलिमिटेशन पे थी जो कि बहुत ही बेइंसाफी हुई है जम्मू कश्मीर और हर डिस्ट्रिक्ट और हर इलाके के साथ कि तोड़फोड़ किया गया। ये तोड़फोड़ कमीशन था, इन्होंने डाइसेक्शन की और बीजेपी के आईने से की। एक टेलर मेड रिपोर्ट को फाइनल किया गया, एक हफ्ते पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश की गई, लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे गए, एक हफ्ते के बाद आईवाश किया गया और उसके बाद कोई सुनवाई न करके कॉस्मेटिक दो चार नाम बदल के उसी रिपोर्ट को फाइनल कर दिया गया। घर में बैठ के टेबल में बैठ करके टेलर मेड रिपोर्ट को फाइनल किया, जिससे हम समझते हैं कि विद इन डिस्ट्रिक्ट विद इन रीजन विद इन जम्मू कश्मीर जो क्राइटेरिया थे पॉपुलेशन एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी तो उसके बाद कंटिन्यूटी कनेक्टिविटी फिजिकल फीचर पब्लिक कन्वीनियंस इन तमाम सहूलतों को चीज़ों को दरकिनार करके और कमीशन ने मैं समझता हूँ हम सारे ये महसूस करते हैं कि ये बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई है और कई इलाकों के साथ कि उनको कई कांसू से गुजर के दूसरी कांसू या अपनी कांसू में जाना पड़ेगा और देखा ही नहीं गया और सुना ही नहीं गया, ये बहुत बड़ी जाति है। इसके खिलाफ हम संघर्ष जारी रखेंगे, हम डिफरेंट मोड से लोगों में पहुँचेंगे, यूनाइटेडली भी सारी पार्टी इकट्ठे भी अपने अपने मंच से भी। इसलिए इस बात पे हमारी आज चर्चा हुई और हमने इस रिपोर्ट को लोगों के हितों के खिलाफ पैरामीटर्स और बुनियादी नाम्स और असूलों के खिलाफ जो कानून में डिलिमिटेशन आजमंदी के पैरामीटर्स हैं उनको उल्लंघना करके रहा है, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट किया है जॉइंटली। उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP स्टेट मिशन हमारे आल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा के चेयरमैन हैं शेख अब्दुलरहमान साहब, बहुत वेटरन लीडर अजीत खजरिया साहब CPI।